بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जी, मैं आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। रात के वक्त मुझे खौफ आया, फियर ऑफ डेथ का, उसके साथ ही मुझे पैनिक अटैक आ गया, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई। मुझे लगा शायद कि मेरा बीपी ज़्यादा हो गया है या मुझे दिल का मसला पड़ रहा है। तो खैर वही खौफ, मौत का खौफ आ रहा था, उसकी वजह से हाइपर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो उस वक्त दवाई ले, इंजेक्शन वगैरह लगवाया तो ठीक हो गया था। उसके बाद मैं तंग नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ जो है ये फियर ऑफ डेथ का जो खौफ था वो हमेशा यानी कि मेरे साथ ही था। खुशी के मौक़ों पर भी मैं डरता था। इसके अलावा मैं खुशी के मौका हो, शादी हो, ईद की रात हो, मुझे यही यानी कि खौफ रहता था। उसके साथ मायूसी वगैरह रहती थी, खुद को कोसता रहता था, कोई गलती हो गई सोचता बहुत ज़्यादा था। मैं इसी वजह से नेगेटिविटी बढ़ती गई अंदर ही अंदर। कोई साथी भी नहीं था जिसे मैं अपने अपनी पर्सनल बातें बता सकूं। यकीन नहीं था क्योंकि मेरे अंदर यकीन मैं करता ही नहीं था लोगों पर। तो उसके बाद फिर ये ऐसा हुआ, कुछ 2 माह हो गए तकरीबन इससे पहले मेरी तबीयत फिर वही ख़राब हुई। वैसे ही पैनिक अटैक आया उसी खौफ की तरह, और उतनी मजबूती से आया कि इस बात तो पक्का है ना। वो खौफ ने फिर ऐसे ही रात तो गुजर गई जैसे कैसे भी। फिर उसके बाद जी मेरे दिन के वक्त जो है ना तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। तो 2 महीने मैं इस कंडीशन में रहा, और मैं दिनों में ही शायद बहुत कमज़ोर भी हो गया था, और जो मेरी पढ़ाई थी वो भी नहीं करने को दिल कर रहा था। इसके साथ खेलता था वो भी दिल नहीं करता, घर में अकेला रहना पसंद करता था, और अपने अंदर ही स्ट्रेस में था, दबाव में था। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, तो दवाई भी ली, मेडिसिन भी ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पर अपनी जो जेनी कश्मकश थी इसके हवाले से सर्च की, तो मुझे कमी भाई की वीडियोज़ मिली जिसमें लिखा हुआ था एनजाइटी डिप्रेशन वगैरह। तो इनकी वीडियोस देखने लगा, तो इनकी वीडियोस देखी, कुछ मोटिवेशन मिली, तो माशाल्लाह मैंने अपने अंदर ही कुछ उसमें ना मोटिवेट हुआ, तो फील बेहतर जो फील करने लगा, बेहतर महसूस करने लगा। तो मुझे पता चल गया, मुझे तशखीस हो गई कि मुझे यही डिप्रेशन, एनजाइटी और ओसीडी वगैरह है जिसकी वजह से मेरा ये हाल है, नफसियाती मसला है। तो मैंने कमी भाई की वीडियो देखता रहा, तो उससे काफ़ी मोटिवेट हुआ। फिर मैंने सोचा मुझे इसका प्रॉपर जो है ना इलाज चाहिए, तो उसके लिए मैंने कमी भाई की जो थी इनकी प्राइवेट कोचिंग थी उससे लिया। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, काफ़ी मोटिवेट हुआ उन, वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊँगा। अब पहले की नस्बत काफ़ी बेहतर हूँ, ठीक हो रहा हूँ जी। शुक्रिया अल्लाह पाक कमी भाई को तंदुरुस्त रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया कमी भाई।